हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़कास्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसा एक डिवाइस का अनबॉक्सिंग करेंगे जिसके हेल्प से कुछ एग्जांपल लेके चलूँ तो, अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आप पोर्टेबल और लाइटवेट प्रोडक्ट्स को सेल्स कर रहे हैं, जब कुछ नए मॉडल्स आते हैं तो उसको आप हर एक व्यू में कस्टमर के सामने अच्छे तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। दूसरा, फेस्टिवल के टाइम में आपके घर के पूजा के रूम में उस पर्टिकुलर भगवान को अच्छे तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं। तीसरा, आप फोटोग्राफी में कुछ अलग तरीके का इफेक्ट लाना चाहते हैं। चौथा, बर्थडे के सेलिब्रेशन में आपका केक और कैंडल को अच्छे तरह से अरेंज करना चाहते हैं, तो ये जो डिवाइस है आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके अलावा आपका खुद का आइडिया यूज करके आप इस डिवाइस को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटन है, बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अब इस बॉक्स पैक के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 डिग्री इलेक्ट्रिक टर्न टेबल लिखा गया है। यहाँ पे इसका बार कोड, उसका सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पे इस डिवाइस का पिक्चर मेंशन किया गया है और यहाँ पे भी 360 डिग्री इलेक्ट्रिक टर्न टेबल लिखा गया है। अब इस बॉक्स के इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। आप चाहे तो इसको पॉज करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस बॉक्स के इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे इसका कलर वेरियंट्स मेंशन किया गया है। एक है इसमें ब्लैक कलर, दूसरा व्हाइट कलर। अब इस बॉक्स के पीछे की तरफ देखते हैं तो इस डिवाइस का जो डिटेल्स है यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप चाहे तो इसको पॉज करके भी यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का डायमेंशंस क्लियरली मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी 360 डिग्री इलेक्ट्रिक टर्न टेबल लिखा गया है। अब इस बॉक्स के नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही चीज मेंशन किया गया है और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दूसरे कुछ मॉडल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इस बॉक्स के ऊपर देखिए यहाँ पे इसका MRP लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको 2499 रुपीज से अमेजोन से परचेज किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन भी होते हैं। तो अब इस बॉक्स को हम यहाँ पे ओपन करके इस डिवाइस को देखते हैं। तो दोस्तों, कंटेंट्स देखते हैं तो एक USB केबल, यूजर मैनुअल और ये डिवाइस। इस डिवाइस को आप टर्न टेबल डिस्प्ले स्टैंड भी कह सकते हैं। ये सर्कुलर शेप में है इसलिए इसका डिजाइन भी स्मार्ट है। अब इस डिवाइस को हम थोड़ा पास से देखते हैं तो इसका जो बॉडी है ये देखिए यहाँ पे ABS प्लास्टिक से बना हुआ है। अब इस डिवाइस का जो डायमीटर है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसका जो डायमीटर है वो लगभग 20 सेंटीमीटर तक है। अब इसका थिकनेस यानी कि हाइट भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसका हाइट है लगभग 3.5 सेंटीमीटर तक है। अब इसका वजन यानी कि वेट भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक वेइंग स्केल है, उसके ऊपर रख के हम इसका वजन भी चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वजन ये लगभग 330 ग्राम्स तक है। अब इस डिवाइस को देखते हैं। इस डिवाइस में दो अटैचमेंट्स दिया गया है। ऊपर का जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है रोटेटेबल और नीचे जो पार्ट आप देख पा रहे हैं एक फिक्स्ड स्टैंड जैसा है। और इस ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर एक फेल्ट पैड जैसा, क्लॉथ जैसा यहाँ पे दिया गया है। जब आप इसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो वो स्लिप ना होने के लिए ये यहाँ पे दिया गया है। और इस डिवाइस के साइड में वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल स्विचेस भी आप देख पा रहे हैं। और जो फर्स्ट वन है ये है LED इंडिकेटर और यहां पे एक माइक्रो USB पोर्ट आप देख पा रहे हैं। जो केबल दिया गया है USB केबल, उसको आप यहां पे अटैच करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहां पे देखिए तीन बटन आप देख पा रहे हैं। जो फर्स्ट बटन है वो है ऑन ऑफ स्विच और दूसरा जो बटन है वो है मॉडिफाई यानी कि चेंज स्विच, इसको आप डायरेक्शन कंट्रोल स्विच भी कह सकते हैं। और तीसरा जो बटन है वो है एडजस्ट स्विच, इसको यूज करके आप फास्ट, स्लो, फॉरवर्ड, रिवर्स, एंगल चेंज कर सकते हैं। आगे हम इसका एक डेमो भी देखेंगे। अब इस डिवाइस के पीछे की तरफ देखते हैं
यहाँ पे आप एक बैटरी कंपार्टमेंट को देख पा रहे हैं। आप इसको इस तरह ओपन भी कर सकते हैं। अगर आप इस डिवाइस को वायर के थ्रू यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वायरलेसली यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसमें डबल ए बैटरी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मोटराइज डिवाइस है। अब इस डिवाइस को ऑन करके इसका एक छोटा सा डेमो भी देखते हैं यहाँ पे। आप इसको इस तरह किसी भी एडाप्टर या चार्जर से भी पावर सप्लाई दे सकते हैं। आप इसको किसी भी पीसी या लैपटॉप या पावर बैंक का जो यूएसबी पोर्ट है उसके थ्रू भी आप इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक पावर बैंक है, उसके थ्रू मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। आप इसके ऊपर मैक्सिमम 4 kg या 5 kg तक ही लोड रख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये मैक्सिमम 5 kg तक ही सपोर्टेबल है। तो अब हम इस डिवाइस को ऑन करके भी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट की है उसको अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर दिया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो एलईडी लाइट है वो रेड कलर में ग्लो हो चुका है। तो इस रेड कलर का इंडिकेशन ये है कि ये जो डिस्क है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 360 डिग्री में रोटेट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रोटेट हो रहा है। अब इस रोटेशन को आप कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि एडजस्ट कर पाएंगे फास्ट और स्लो, उसके लिए आप ये जो एडजस्ट की है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस एडजस्ट की को एक बार प्रेस किया तो इसका जो रोटेशन है वो थोड़ा स्लो हो चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर से अगर मैं इस रोटेशन को थोड़ा फास्ट करना चाहता हूँ तो फिर से इस बटन को मैं प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फास्ट रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को रख के एक छोटा सा डेमो भी देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, एक एग्जाम्पल बेसिस पे मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका रोटेशन, ये 360 डिग्री रोटेशन है, ये थोड़ा फास्ट रोटेशन है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं। अब हम इस एडजस्ट की को यूज करके इस रोटेशन को स्लो भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस एडजस्ट बटन को प्रेस कर दिया तो ये जो रोटेशन है यहाँ पे देखिए स्लो हो चुका है। तो इस तरह इस रेड इंडिकेटर लाइट मोड में आप किसी भी प्रोडक्ट को इसके ऊपर रख के उसको फास्ट या स्लो एक फुल सर्किल यानी कि 360 डिग्री में रोटेट कर पाएंगे। अब इसका दूसरा मोड भी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बीच में जो बटन है सेकंड बटन, उसको मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एलईडी लाइट है वो ग्रीन कलर में ग्लो हो चुका है। तो इस मोड में ये जो डिस्क है आप इसको फॉरवर्ड या रिवर्स कर पाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पे जो एडजस्ट किए उसको आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब इसको मैं रिवर्स में रोटेट करना चाहता हूँ तो फिर से इस एडजस्ट बटन को प्रेस कर दूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो डिस्क है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। फिर से मैं इस एडजस्ट बटन को प्रेस कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। इस तरह आप इसको फॉरवर्ड या रिवर्स कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल वाइज इसके ऊपर एक प्रोडक्ट को रख के हम देखते हैं। यहाँ पे मेरा एक टॉय है कार का, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये एक डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब इसको मैं रिवर्स में रोटेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो एडजस्ट की है उसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। इस तरह आप इस ग्रीन कलर के जो लाइट है उस मोड में आप इसको फॉरवर्ड या रिवर्स कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे रख के। अब इसका जो तीसरा मोड है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो फिर से इस बीच में जो बटन है जो सेकंड बटन, उसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो आप देख पा रहे हैं ये जो एलईडी लाइट है वो ऑरेंज कलर में ग्लो हो चुका है। ये तीसरा मोड है। इस मोड में आप इस डिस्क को अलग अलग एंगल में सेट कर सकते हैं, 45 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री या 360 डिग्री आप सेट कर सकते हैं एडजस्ट की को प्रेस करके। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर एक प्रोडक्ट को रख के एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक रिचार्जेबल लैंप है, आप देख पा रहे हैं, इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो आप देखिए इसका एंगल आप देख पा रहे हैं एंगल वाइज रोटेट हो रहा है ये। इस तरह आप इस तीसरे मोड यानी कि ऑरेंज कलर का जो लाइट इंडिकेशन है उस मोड में आप इस तरह एंगल सेट कर सकते हैं। और भी आप एंगल चेंज कर सकते हैं, 2-3 एंगल आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ये जो एडजस्ट की है उसको प्रेस करके एक एक एंगल चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस प्रोडक्ट को साइड में रखते हैं। अब इस डिवाइस को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट बटन है आप देख पा रहे हैं, इसको अगर आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो देखिए इस तरह आप इस डिवाइस को ऑफ भी कर पाएंगे।
जब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो इस डिवाइस का जो नॉइज़ है बहुत कम है और इसका रोटेशन भी बहुत स्मूथ है, इसका पावर कंजम्पशन भी कम है। आप इस डिवाइस को किसी दुकान या सुपरमार्केट में छोटे प्रोडक्ट्स एग्जांपल देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन, वॉचेस, छोटे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ज्वेलरी, गोल्ड, कॉस्मेटिक आइटम्स, फैंसी आइटम्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, टॉयस, स्पेक्टाकल्स, शूज, बैग्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इस तरह के जो छोटे चीज़ है उसको एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन एग्जीबिशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसको फोटोग्राफी में, प्रोफेशनल फोटो या वीडियो में भी उपयोग कर सकते हैं। आप इसको घर के डेकोरेशन या पार्टी सेलिब्रेशन यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो उसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटन है, बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।